हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है उड़िया तब्दील। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्कैनमैन का ब्रेकर है जिसमें ऑक्सिलरी स्विच के स्पेयर कॉन्टैक्ट यूज हो गए और उसमें दिक्कत आ रही है उसके एनोइंसी होने में। तो आज हम ऑक्सिलरी स्विच उसकी चेंज करेंगे, तो उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, उसको कैसे चेंज किया जाता है, तो मैं ऑक्सिलरी के सभी पार्ट को मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ नई जानकारी दूंगा। तो आइए कुछ नया सीखते हैं। ये ब्रेकर की ऑक्सिलरी स्विच है, जिसमें यहाँ पे ये जो स्लॉट है ऊपर नीचे जो ये स्लॉट है उसमें क्लोजिंग के कनेक्शन रहते हैं, इसमें ट्रिपिंग के रहते हैं और इसमें इंडिकेशन के रहते हैं, और एक नीचे L7 वाला इंडिकेशन यहाँ पे रहता है जो कि इंडिकेशन के लिए स्प्रिंग चार्ज के, और ये सारे स्पेयर कॉन्टैक्ट है। तो हम यहाँ पे इसके कनेक्शन पहले लिख लेते हैं, ये ऊपर का और नीचे का जो भी कनेक्शन है ऊपर नीचे का वो लिख लेना, बाद में ऑक्सिलरी को आप इसे खोल लेना, नहीं मैं कनेक्शन करके आप नहीं लगाना, और बाद में आप इसे चेक कर लेना। तो आइए पहले हम कनेक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सिलरी पे कॉन्टैक्ट रहते हैं, जिसमें पहला स्लॉट में ए है, वहाँ पे K5 है, सामने 1 डिजिट है, वहाँ पे K15 है, यहाँ पे दूसरा स्लॉट है वो ट्रिपिंग का है, सी पे K19 है, सामने 3 नंबर पे K21 है, उसकी लिंक दी गई होती है, और तीसरा स्लॉट है उसमें ऊपर ई है जिसमें L1 है जो कि इंडिकेशन का पॉजिटिव है, उसकी लिंक की गई होती है, सामने 5 नंबर पे L5 है जिसकी जो कि ऑन का इंडिकेशन है, और दूसरी नीचे की जो भी स्लाइट है उसमें स्लॉट में नीचे बी दिया गया होता है जो कि अंदर की साइड होता है, और बाहर की साइड 2 नंबर है, अंदर की साइड K11 है और बाहर की साइड 2 नंबर पे K13 है नीचे की साइड में, और ऑक्सिलरी के 4 नंबर पे 21 है, और डी पे अंदर की साइड डी है दूसरा कॉन्टैक्ट ट्रिपिंग वाला, उसका K23 होता है जो कि K21 से 4 नंबर पर लिंक है, और 6 नंबर पे बाहर की साइड नीचे L3 है वो आपका ऑफ का इंडिकेशन है, और सामने F पे नीचे L1 की लिंक दी गई होती है, और ऊपर साले 3 कॉन्टैक्ट है वो स्पेयर होते हैं, और नीचे के 8 नंबर पे L7 है और H पे L1 है जो कि इंडिकेशन का पॉजिटिव है, और नीचे के 2 है स्लॉट में 4 कनेक्शन वो स्पेयर कॉन्टैक्ट है, तो आप स्पेयर में उसे कोई भी कॉन्टैक्ट अगर बन होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन लिख लिए है, ये अपर के यहाँ पे कॉन्टैक्ट है और ये डाउन के कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे जो ये कॉन्टैक्ट है ऊपर नीचे वो क्लोजिंग के है, यहाँ पे जो ऊपर नीचे है वो ट्रिपिंग के है, और ये इंडिकेशन के है, और एक नीचे आता है वो स्प्रिंग चार्ज के इंडिकेशन का है। तो यहाँ पे ऊपर से K5 आता है, वो मैंने लिखा है 2 नोज है, यहाँ पे एक है वो लिंक बनाई, और एक यहाँ पे एंटी पंपिंग पे K5 जा रहा है जो कि K5 है वो क्लोजिंग का पॉजिटिव रहता है बराबर, और यहाँ पे नीचे है वो K11 और K13 है जो कि रिटर्न यहाँ से आता है, तो क्लोजिंग की सर्किट कैसे है, K5 से K7 यहाँ पे लिमिट स्विच पे, K7 से K9 वहाँ से यहाँ पे लिमिट स्विच पे, K9 से K11 और यहाँ पे ऑक्सिलरी पे K11 से K13 और K13 से यहाँ पे क्लोजिंग कॉइल पे आता है, और K2 यहाँ पे होता है नेगेटिव है, तो आपका K5 से बन के यहाँ पे K13 होके यहाँ पे क्लोजिंग पे आता है, तो आपकी क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट कभी होगी कि यहाँ से एंटी पंपिंग आगे आपका पॉजिटिव जाने देगा, लिमिट स्विच से इंटरलॉक के यहाँ से आगे जाने देगा, स्प्रिंग चार्ज का जो भी प्लंजर है वहाँ पे लगेगा
जबकि आपकी स्प्रिंग चार्ज होगी रहेगी तभी आपका पॉजिटिव यहाँ से यहाँ कोयल को मिलेगा और आपका क्लोजिंग होगा। वैसे ही ट्रिपिंग में क्या रहता है, यहाँ पे K19 है, जो कि K19 आएगा तब यहाँ पे एक लिंक रहती है K21, वो डायरेक्टली यहाँ पे आके आपके ट्रिपिंग पे मिलता है। तो अपने ट्रिपिंग पे कोई भी लिमिट स्विच नहीं रहती, सिर्फ पिक्चर में ऑक्सिलरी स्विच और डायरेक्टली आपके ट्रिपिंग को लाएगी। और ऑन ऑफ के इंडिकेशन है वो यहाँ ऑक्सिलरी से मिलते हैं। K1 की लिंक होती है पॉजिटिव रहता है, जबकि ऑन ऑफ होने के बाद यहाँ से मान लीजिए कि आपका ऑफ है तो ये भी L3 यानी कि ऑफ कंडीशन में सारे नीचे के कॉन्टेक्ट है वो नॉर्मली क्लोज्ड रहते हैं। तो यहाँ से L1 का पॉजिटिव L3 मिलके आपको ऑफ का इंडिकेशन बताएगा, जबकि ऑन हो गया तो डायरेक्ट यहाँ के सभी कॉन्टेक्ट है वो NC हो गया, नीचे के NO हो गए। तो NC होने के बाद आपका L5 है वो पॉजिटिव मिलेगा, और आपका अभी ऑफ होने पे L7 है नीचे का वो मिलता है तो वो वहाँ पे ऑटो ट्रिप या एक्स्ट्रा इंडिकेशन में यूज़ किया गया है। और ये सारे 3 कॉन्टेक्ट वो स्पेयर है आपके, और नीचे के 2 कॉन्टेक्ट स्पेयर है। तो आप अगर फ्यूचर में कोई भी NONC कॉन्टेक्ट खराब होते हैं तो स्पेयर कॉन्टेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये ऑक्सिलरी स्विच है वो खोलेंगे, और मेरे पास ये नई ऑक्सिलरी स्विच है उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे यानी कि लगाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो आइए कुछ देखते हैं और नया सीखते हैं। नीचे का कॉन्टेक्ट NC होना चाहिए, तो वो है ना, नीचे के कॉन्टेक्ट है वो NC है। देखिए सभी आ रहा है, ये NC है सारे, और ऊपर के नहीं आने चाहिए। देखिए नहीं आ रहे हैं, वैसे आप ऑक्सिलरी स्विच चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी ख़राब है तो ये नीचे का कॉन्टेक्ट है वो NC, देखिए नहीं हो रहा है क्लोजिंग, देखिए नहीं आ रहा है। कोई कोई आएगा, कोई नहीं आएगा, देखिए तो ये ख़राब हो रखी है। वैसे आप चेक कर सकते हैं। ऑक्सिलरी में ये 3 बोल्ट रहते हैं, और यहाँ पे जो भी है ऑक्सिलरी पे ये यहाँ पे उसकी मेन शाफ्ट पे ये पट्टी कनेक्ट रहती है, जिससे ये मेन शाफ्ट ऑन ऑफ में ऑपरेशन होगी उससे ये कॉन्टेक्ट है ऊपर नीचे के लगेगा। ऑफ में नीचे के NC रहेगा, ऊपर के NO रहेगा, ऑन में ऊपर के NC हो गए, नीचे के NO हो गए, ये आपको याद रखना है। उसके सामने वाले कॉन्टेक्ट वो लगेगा,
ऊपर नीचे नहीं लगते, रोटरी स्विच नहीं है, ऑक्सिलरी है, आपके सामने वाले कॉन्टेक्ट है वो एनसी हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपकी ऑक्सिलरी स्विच है वो खुल गई है, आपकी ये जो क्लिप है वो निकाल लेनी है, आपको ये नई ऑक्सिलरी में लगा लेनी है। आपकी स्विच ऐसे आएगी, आपको यहाँ पे यह पट्टी लगा लेनी है, यहाँ पे एक पट्टी और ये पिन ही आती है और कुछ नहीं है। यहाँ पे फिर भी हम एक वॉशर लगा देते हैं, बराबर है, मैं कहता हूं रखो ना।
स्पेयर कॉन्टैक्ट होते हैं उसमें यू फेरुल है कैपिटल, जो कि आप उसका फेरुल ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो स्पेयर कॉन्टैक्ट है, लेकिन जब यहाँ पे वायरिंग कोई फेल होगा तो उसको यूज़ करने में आप यूज़ कर सकते हैं, तो यू फेरुल वाले वायर तब यूज़ होगे। मैं ये कनेक्शन क्यों नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कौन सा कहाँ आता है, लेकिन आप पहले लिख लीजिए उसमें देख देख के आप कनेक्शन कीजिए।
ये हमने ऑक्सिलरी का फिटिंग कर लिया है। अभी यहाँ पे हम ब्रेकर का एंक्लोजर का ऊपर का जो भी कवर है वो नहीं लगाते हैं। ब्रेकर को टेस्ट पोजीशन में लेके हम चेक कर लेंगे, कनेक्शन ऑन ऑफ ऑपरेशन, रिले से ऑपरेशन इत्यादि हम चेक करेंगे, बाद में कंफर्म करेंगे। अभी ब्रेकर ऑफ है और हमने अभी लगा लिया, देखिए ऑफ का इंडिकेशन आ रहा है। अभी यहाँ पे भी देखिए ऑफ है, ऑक्सिलरी पूरी है, तो अभी हम स्प्रिंग चार्ज करते हैं। देखिए स्प्रिंग चार्ज हो रही है, लिमिट हो रही है, कट हो रही है। अभी हम यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे, देखिए ब्रेकर है वो भी ऑन हो रखा है। अभी ऑफ कीजिए, देखिए ब्रेकर ऑफ भी हुआ, तो ऑन ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, इंडिकेशन आ रहा है, तो हमारा अभी ऑक्सिलरी स्विच है वो प्रॉपर काम कर रहा है। फिर भी हम क्या है ब्रेकर में मेंटेनेंस किया है तो रिले से ट्रिप होना चाहिए, तो अभी हम रिले से ट्रिप करके देखेंगे। तो पहले हम स्प्रिंग चार्ज कर लेते हैं, ऑन करके हम रिले से ट्रिप टेस्ट ले लेते हैं। अभी हमने ऑन कर लिया है, अभी हम रिले से देखेंगे। यहाँ स्पाज का एबीबी का स्पाज 140 सी है, अभी इसको जीरो पे ले जाना है। जीरो आ गया, फिर प्रोग्राम पे होल्ड रखिए 15 सेकंड तो ब्लिंकिंग करेगा, फिर एलईडी ले लेना है 1 और 2। हम अभी 2 में ट्रिप करेंगे, दोनों एक साथ दबाना है। तो देखिए ट्रिप हुआ, आपका अलार्म आया, तो रिले से भी आपका ब्रेकर ट्रिप हो रहा है, तो हमारा ऑक्सिलरी स्विच है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी प्रोग्राम की एलईडी फिर से आपको होल्ड करनी है 15 सेकंड, ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा और यहाँ से आप रिले को रीसेट कर लीजिए। तो यहाँ से फास्ट मैंने रिले से कैसे ट्रिपिंग लेना है वो भी दिखा दिया। तो ये हमारे यहाँ मेंटेनेंस का पार्ट पूरा होता है। तो दोस्तों आपको आज मैंने सिखाया कि कैसे ऑक्सिलरी स्विच रिप्लेस करेंगे, उसे कैसे टेस्ट करेंगे। तो मैंने अच्छा मेंटेनेंस आपको करके दिखाया, इसका मैं डायग्राम है सर्किट वो भी मैं दूंगा, इसका जो भी ऑक्सिलरी का ड्रॉइंग है वो भी दूंगा, तो आप देख लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए और मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।